Okay, let's assume to be let's limit it to 3 floors. How many floors? तो 3 floors है, तो ये रेड कलर का टॉप फ्लोर है और ये ब्राउन कलर का मिडल फ्लोर है और ये ब्लू कलर का ग्राउंड फ्लोर है। कितने फ्लोर्स हो गए अभी? और 3 एम्प्लॉई है। एम्प्लॉय आईडी 101, वो वर्क करता है ब्लू वाले फ्लोर पे। एम्प्लॉय आईडी 102, वो वर्क करता है ब्राउन वाले फ्लोर पे। और एम्प्लॉय आईडी 103, वो वर्क करता है रेड वाले फ्लोर पे। ठीक है, तो वेन एवर यू एंटर योर फ्लोर, नो योर वर्किंग एरिया, यू हैव टू स्वाइप अ कार्ड। इधर गेट पे ना एक मशीन होती है, वहां पर आपको आपका कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, तो बीप होता है और फिर डोर खुलता है। तो जिसके पास जिस फ्लोर का एक्सेस कार्ड है वो उसी फ्लोर पे एंटर कर सकता है। यस और नो? यस सर। तो अभी अगर 101 एंटर करना चाहे फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे, उसको अलाउ करेंगे क्या? नहीं उसका करेंगे। कार्ड रीड ही नहीं करेगा, उसका कार्ड एक्सेस ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको एडमिन जो है ना, एडमिन, जैसे आप कंपनी ज्वाइन करते हो और आप कौन से फ्लोर पे काम करोगे, तो एडमिन आपका जो है कार्ड अकॉर्डिंगली कंफिगर करता है। ठीक है, एंड वेन यू लीव द कंपनी अलॉन्ग विद द आई कार्ड, यू हैव टू डिपॉजिट दिस स्वाइप कार्ड ऑल्सो। उसके अंदर एक चिप रहता है। एम आई अंडरस्टूड? पर अभी अगर कंपनी का ओनर है, कौन है कंपनी का ओनर, है ना, कंपनी का ओनर, उसको तीनों तीनों फ्लोर का एक्सेस मिलेगा। यस सर। उसको कोई भी रोक ठोक नहीं है, वो जब चाहे जिस फ्लोर पे चाहे जा सकता है क्या? नहीं? तो ऐसे ही कंपनी का ओनर जो है ना, उस वैसे कुछ अपने पास वेरिएबल्स है पीएचपी के अंदर, उनको बोलते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? क्या सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। दिख रहा है? एक्चुअली वो एरेज है, वो वेरिएबल्स है ना, एरेज के फॉर्म में रहते हैं। तो क्या बोलते हैं उनको हम? वेरिएबल? ठीक है, सुपर ग्लोबल क्यों बोलते हैं उनको? कि अगर मेरे पास एक 1.php है एक फाइल, ठीक है, एक फाइल 2.php है और एक फाइल 3.php है, तो 1.php में डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल्स सिर्फ 1.php में यूज होंगे, है ना? और 1.php में डिक्लेयर किया हुआ एरे वो सिर्फ 1.php में यूज होगा। कैन आई यूज 1.php के वेरिएबल्स इन दिस? वन सेकेंड गाइस। सो कैन आई यूज द वेरिएबल्स ऑफ 1.php इन 2.php? दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट फाइल ओनली। यस। बट दी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स विच आर एरेज, नेमली उनका लिस्ट, विल लिस्ट देम डाउन। तो दे स्टार्ट विद डॉलर अंडरस्कोर, दे ऑल स्टार्ट विद विच वन? डॉलर। डॉलर सब अंडरस्कोर। शुरू होते डॉलर अंडरस्कोर से, सब जितने भी है ना, एक 7-8 है वो। तो कैन यू नेम मी फ्यू, कैन यू नेम मी फ्यू विच वी हैव यूज्ड? वी यूज 3, आई हैव शोन यू ऑल 3 प्रैक्टिकली। देखो डॉलर अंडरस्कोर गेट यूज किया है, फिर हाँ, और दूसरा, और सब कैपिटल में, तीन सब वेरिएबल कैपिटल में है। और कौन सा यूज किया अपन ने? सेल प्रोसेसिंग फॉर्म में किया क्या? नहीं यूज सेल प्रोसेसिंग फॉर्म में। हाँ ओके, फिर अभी अपने पास दो चार और है फाइल्स, क्या है? फाइल और फिर कुकी, क्या है? और फिर सेशन,
और फिर ENV क्या है? ये ऐसे एक 7-8 रहते हैं, ये रिक्वेस्ट भी है एक, क्या है? तो अगर आपको गेट और पोस्ट का दोनों का मिश्रण रिक्वेस्ट है, गेट और पोस्ट दोनों का मिश्रण क्या है? रिक्वेस्ट है। तो ये जो है ना, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है या उनको एरेज के फॉर्म में रहते हो, ठीक है? ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो आई कैन यूज दीज वेरिएबल्स, ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स, ऑल ऑफ दीज आई कैन यूज इन इन व्हाट? आई कैन यूज देम इन एनी ऑफ माय पीएचपी फाइल बिकॉज दे आर सुपर ग्लोबल। अंडरस्टूड? Without even declaring, directly अपन use कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमको कोई array यूज करना है, पहले हम उसको declare करेंगे, फिर use करेंगे ना? हाँ। यहाँ पर हम इन इन arrays को सारे files में use कर सकते हैं। Okay. तो वो है हमारे super global variables, यहाँ पढ़ो इनको। दिख रहा है इधर? Yes. क्या लिखा हुआ है पढ़ो? Read from here. Okay, PHP creates a separate global variable for every form parameter. Several predefined variables in PHP are super globals, which means that they are always accessible regardless of scope, and you can access them from any function, class, or file without having to do anything special. Regardless of the setting of register globals, PHP creates 6 global arrays that contains the PGPCS information, environment, get, post, cookies, and server. The global variables are also visible within function definition. समझा? Global arrays. तो ये सारे arrays हैं। अब एक-एक array study करते हैं। तो अभी इसमें से अपने को कौन से हो गए हैं एरेज? गेट पोस्ट हो गया है, गेट पोस्ट और सर्वर हो गया, गेट पोस्ट हो गया है ना। तो गेट पोस्ट हमको मालूम है कब यूज करना है, राइट? जब डेटा जो है अनसिक्योर्ड है तो हम गेट यूज कर सकते हैं, जब डेटा सिक्योर्ड है तो पोस्ट यूज करने का। इसका अपना पूरा सेशन लास्ट टाइम हुआ था, इसका वीडियो भी है, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ओके, पोस्ट भी हो गया है। ओके, रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट वो गेट और पोस्ट दोनों एक्सेस कर सकता है। क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कैन एक्सेस बोथ गेट एंड पोस्ट। सो इफ यू हैव यूज मेथड गेट और यू हैव यूज मेथड पोस्ट, यू कैन यूज डॉलर रिक्वेस्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? दिखाता हूं, मैं एग्जांपल दिखाता हूं। लेट मी गिव यू ऑल एग्जांपल। ओके, वो तो आ रही है ना, एग्जांपल तो सारी आ रही है। सी ओवर हियर, ये मैंने मेथड क्या यूज किया है ऊपर? यस, व्हिच मेथड हैव आई यूज्ड ओवर हियर? So which method have I used over here? Get method. So which array will I use? Which super global array will I use over here? Get array. Dollar underscore get, right? Yes. If I put over here post, method as post, then what to do? Dollar underscore post. So irrespective I use get or post, I can always use request. Request. तो अभी इधर post पे भी request चलेगा और get पे भी request चलेगा। समझ में आ रहा है? तो request वो array है, get और post दोनों को support करेगा, ठीक है? Okay, ये भी हो गया। Server भी अपना हो गया। Server क्या होता है मालूम है क्या? इस PHP file के बारे में बहुत सारा data store होता है server पे। इस PHP फाइल के बारे में ना, ये जो PHP फाइल है ना,
क्या नाम है इसका, नाम क्या है पेज फाइल का? एड डॉट पी एच पी, कौन सा? एड डॉट पी एच पी। तो ये जब जाती है ना सर्वर के ऊपर, तो सर्वर इसका बहुत सारा डेटा स्टोर करता है, वो जाता है डेटा डॉलर अंडरस्कोर सर्वर एरे पे। आई विल शो यू दैट आल्सो, वेट। ये गाइस, तो ये दिख रहा है डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, हेलो, यस सर। तो ये एक है ना एसोसिएटिव एरे है, क्या है? तो ये उसके की है, ये उसके वैल्यू है। तो उस डॉलर अंडरस्कोर सर्वर के अंदर क्या क्या डेटा है वो हम डिस्प्ले करेंगे अभी टैबुलर फॉर्म में। ये एक स्लिप का सोल्यूशन भी है, तो लेट मी सेव दिस। ओके, और मैंने इसको नाम दिया सर्वर डॉट पी एच पी, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। लेट्स ट्राई टू रन दिस, सो यू विल कम टू नो what all content is there in the server array. दिख रहा है ये, देखो इधर। हाँ सर। तो ये सब information उस file का, file का नाम क्या था? server dot php, क्या था नाम? नाम क्या दिख रहा है? server dot php. तो php self है ना, php self, php underscore self में उसका नाम लिखा रहेगा। तो एक उसका एक एट्रीब्यूट है php underscore self, दिख रहा है इधर? हाँ सर। तो कौन सा है वो? server.php। तो इट इज सेम एज स्क्रिप्ट नेम, इट इज सेम एज सर्वर URI। और क्या मेथड यूज किया अपन ने, और रिक्वेस्ट मेथड कौन सा है? गेट मेथड। गेट, अपन ने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। अगर अपन आर्ग्यूमेंट पास करते ना, अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स लेते अपन और टेक्स्ट बॉक्स में कोई डेटा पास करते हैं, तो वो यहाँ आते थे क्वेरी स्ट्रिंग में। ओके, तो वेयर एवर द यूआरएल फिनिशेस, नो सी ओवर हियर, व्हाट डू यू सी ओवर हियर? server.php। उसके बाद क्वेश्चन मार्क देने के बाद में जो भी आते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स, वो आर्ग्यूमेंट्स को बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है मैंने, क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो इसके लिए ब्लैंक है। प्रोटोकॉल क्या यूज किया है? HTTP। और कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है ये पूरा ऐसा है, वैम्प अपन यूज कर रहे हैं। सर्वर एडमिन कौन है? एडमिन एट द रेट लोकल होस्ट। ये सब कौन सा एड्रेस, कौन से एड्रेस से रिक्वेस्ट आया है? आईपी एड्रेस क्या है मशीन का? 127.0.1। तो उसको बोलते हैं लोकल मशीन का आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं? IP address local machine का। क्या है 127.0। तो ये सब डेटा, सर्वर का नाम क्या है? लोकल होस्ट। नाम क्या है सर्वर का, दिख रहा है इधर? सर्वर local host। सर्वर का पोर्ट क्या है? तो सर्वर का नाम सर, तो और इस आईपी एड्रेस को है ना, इस आईपी एड्रेस को बोलते हैं लोकल होस्ट। क्या बोलते हैं? करंट मशीन के आईपी एड्रेस को बोलते हैं लोकल होस्ट। जैसे अगर आपका रोल नंबर 1 है, ठीक है, और टेबल पे एक बुक रखी हुई है, इस पे लिखा है रोल नंबर 1, तो व्हाट विल यू से? विल यू से दिस बुक बिलोंग्स टू रोल नंबर 1 और दिस बुक बिलोंग्स टू मी? दिस बुक बिलोंग्स टू मी। तो ऐसे ही, तो लोकल मशीन के आईपी एड्रेस को क्या बोलते हैं? 127.0.1। उस आईपी एड्रेस को एक नाम दिया है लोकल होस्ट। तो या तो आप आईपी एड्रेस से मशीन को एड्रेस कर सकते हैं या उसके नाम से एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं लोकल होस्ट निकाल, लोकल होस्ट नहीं लिखूं, मुझे लोकल होस्ट नहीं लिखना है, तो मैं यहां पर यह लिख सकता हूं, विच विल बी द सेम। समझ में आया? तो ऐसे अलग अलग जो है वो ये सब डिटेल्स किसमें स्टोर है, कौन से इसमें एरे में स्टोर है, सुपर ग्लोबल एरे। नाम क्या उसका, कौन सा एरे है ये? सर्वर, कौन सा एरे है? सर्वर। तो सर्वर भी समझ में आ गया, यस और नो?
गेट पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वर, ये तीन चार समझ में आ गए। अब पांचवा है फाइल्स, पांचवा क्या है? ओके, फाइल से पहले हम लोग ये यूज कर सकते हैं कुकी और सेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कुकी सुना है आपने, इंटरनेट के ऊपर कुकीज रहते हैं? हाँ सर। तो वो सब के सब जो है ना इस कुकी एरे में होते हैं। नाउ द फोर्थ एरे इज व्हाट, क्या नाम से फोर्थ एरे? फाइल्स। आपने आपने जब कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो डोंट दे आस्क टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, अपलोड योर फोटो, अपलोड योर एड्रेस प्रूफ, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, ये सब है ना, बोलते ना वो लोग। तो वो सब हम जो अपलोड करते हैं ना वो सब डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स में जाता है, ठीक है? ऑल द फाइल्स विच वी अपलोड एंड डाउनलोड दे गो इन विच फोल्डर? फाइल्स। तो फाइल्स का हम लोग है ना एट्रीब्यूट देख सकते हैं। एट्रीब्यूट कौन से? फाइल का नाम, फाइल का टाइप, फाइल का साइज, है ना? हाँ। फाइल का क्या? नेम, टाइप, साइज, ये सब हम देख सकते हैं। फाइल का नाम, फाइल का टाइप और फाइल का साइज। तो कौन से एरे से मिलेगा हमको वो सब? फाइल्स एरे। तो अभी देखो, उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। तो ये मेथड क्या है? पोस्ट है, क्योंकि फाइल का डेटा इट विल इंक्रिप्ट एंड गो नो, तो इसके लिए हम लोग पोस्ट लेंगे। एक्शन, कौन सी फाइल खुलने वाली है? सेम फाइल दिख रहा है, फाइल, इसका नाम क्या है? फाइल्स डॉट पीएचपी ना। तो इट इज सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म। एंड व्हेनेवर यू डू फाइल हैंडलिंग नो ऑलवेज गिव द इंक्रिप्शन टाइप, ऑलवेज गिव द तो ये लर्न बाय हार्ट है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, इसको लर्न बाय हार्ट करना है इस सेंटेंस को, ठीक है? फिर मैंने एक लेबल लिया है, उसके बाजू में एक बटन ली है फाइल की। तो इनपुट टाइप क्या है उसका? फाइल। और नाम क्या है? F1। और कैप्शन क्या है? अपलोड, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, जब सबमिट पे क्लिक होगा तो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और नाम क्या है इस फाइल का? F1। उसी कौन सी एट्रीब्यूट शो करना है अपने को? नेम, F1 का टाइप और F1 का साइज। तो साइज आएगा आपका बाइट्स में, साइज किस में आएगा? बाइट्स। तो मैंने बाइट्स को डिवाइड कर दिया 1024, किस में क्या बन गया वो? KB। है ना? तो जो भी फाइल हम अपलोड करेंगे ना उसका नाम, उसका टाइप और उसका साइज आएगा, ठीक है? तो आपने ये इंक्रिप्शन क्यों यूज करना है बताया? क्योंकि ये फाइल है ना, फाइल इंक्रिप्ट होके अपलोड होगी। आई विल शो यू वेयर इट इज अपलोडेड इन विच फोल्डर आल्सो, ठीक है? सो नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, अब मैं यहां पर आया, ठीक है, और फाइल्स पे क्लिक किया, दिख रहा है ये? हाँ। तो चूज फाइल किया, ये फाइल मैंने चूज करता हूं, तो फाइल का नाम क्या है? और किस टाइप की है? जावा है। जावा है, और कितने साइज की है? 3 KB। ठीक है, तो उसका नाम, उसका टाइप, उसका साइज आ जाएगा। तो क्या नाम क्या है? Java, और साइज इतना है, ठीक है? फाइल कितने बजे अपलोड हुई है? 11:56। कितने बजे? 11:56। आपको वो देखना है ना, तो यू हैव टू गो टू द टेम्प फोल्डर, यू हैव टू गो टू द टेम्प फोल्डर। तो आपको टेम्प फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो इधर दिख रहा है आपको रैम, दिख रहा है? हाँ। तो टेम्प दिख रहा है फोल्डर? यस सर। तो अभी एक फाइल उधर अपलोड हुई रहेगी, तो उधर जाके करने का सॉर्ट बाय डेट, तो दिख रहा है सॉर्ट बाय डेट, नहीं सॉर्ट बाय या डेट मॉडिफाइड, तो यू विल सी दैट ऑन 18th February एक फाइल अपलोड हुई रहेगी। दिख रही है कोई फाइल अपलोड 18th February को?
तो यहाँ पर वो फाइल सारे जाते हैं टेम्प फोल्डर के अंदर। तो ऑल द फाइल्स दे गो इन दिस टेम्प फोल्डर, क्लियर? सो ऑल द डेटा ऑफ द फाइल विच वी अपलोड गोज इनटू विच एरे, विच एरे, विच सुपर ग्लोबल एरे, नॉट फोल्डर, आई एम टॉकिंग ऑफ एरे, तो समझ में आया? तो गेट पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वर और फाइल, ये हमने आज 5 कर लिया, हम कल रिमेनिंग 3 करेंगे। तो मैंने मैंने प्रोग्राम दिखाया है आपको गेट पे भी, पोस्ट में भी, रिक्वेस्ट पे भी, हमने सर्वर और फाइल्स आज किए। आज हमने सर्वर का इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए सर्वर वाला एरे एक्सेस करने के लिए सर्वर वाली फाइल बनाई ये, और ये फाइल्स वाली है, ठीक है? आई शेयर बोथ द फाइल्स ऑल्सो टू यू ऑल। सर रिक्वेस्ट बताया आपने, रिक्वेस्ट मतलब गेट, गेट और पोस्ट का मिश्रण है, गेट और पोस्ट दोनों को सपोर्ट करेगा। आप मेथड गेट लो या पोस्ट लो, आप डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट यूज कर सकते हो। अच्छा ठीक है।